जमीन में गड़े एक पौधे को उखाड़ने में बड़े बड़े पहलवान धूल चढ़ जाते हैं। अंधविश्वास पर आस्था देवधारी बलवान भी हो जाता है बलहीन इस पौधे के आगे। धबोटी गांव में 100 सालों से जारी पौधा उखाड़ने की रहस्यमयी प्रथा हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं छोटा बारह खंबा मेले में। सिंहजुला मुख्यालय के करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम धबोटी में दीपावली के एक दिन बाद पौधा उखाड़ने की प्रथा आज भी बेहद ही रहस्यमयी है। इसके रहस्य इतिहास के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन आज भी करीब 6 दर्जन से अधिक गांवों के लोग हजारों की संख्या में इस प्रथा के साक्षी बनते हैं और यहां पर स्थित खुटिया देव की आस्था और उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम धबोटी के उप सरपंच ईश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि पौधा उखाड़ने की प्रथा 100 सालों से अधिक समय से चली आ रही है, लेकिन कोई भी इस दुर्लभ पौधे को नहीं उखाड़ सका है। उन्होंने बताया कि गांव का चौकीदार पटेल जगदीश प्रसाद के मार्गदर्शन में विशेष पूजा अर्चना के साथ ग्राम में स्थित खुटिया देव के मंदिर परिसर में कुवाड़िया का 2 फीट का पौधा जमीन के 4 इंच के करीब गढ़ता है और उसके बाद सुबह यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु खुटिया देव के दर्शन करने के पश्चात उखाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह 4 इंच जमीन में गड़ा हुआ पौधा 4-5 लोगों के अथक प्रयास के बाद भी जमीन से टस से मस नहीं होता। एक तरफ तो देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राम धबोटी में हर साल इस तरह की दिव्य प्रथा होती है। अद्भुत घटना के करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु हर साल साक्षी के रूप में मौजूद रहते हैं। ग्राम के सरपंच देव सिंह और उप सरपंच ईश्वर ने बताया कि हमारे बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार दिवाली के दूसरे दिन ग्राम धबोटी में छोटा बारह खंबा के नाम से इस प्रसिद्ध मेले और पौधा उखाड़ने के इस अद्भुत दृश्य को देखने वालों का तांता लगा रहता है।